कब कब बीमार पड़ता है आपको ये बताऊं। ये सुनोगे ना, मेरी ये विवेचन सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा भी कुछ है। आपका दिमाग ठंड हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। देखिए, एक व्यक्ति कब बीमार पड़ सकता है, जब उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता हो, कोई नहीं खाने जैसे खाना खाया, प्रदूषण वाले जगह में रहा किसी कारण से, यानी शरीर का बीमार पड़ने के लिए कोई फिजिकल कारण, उसका दैहिक कारण हो सकता है, नंबर वन। दूसरा, उसको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, कोई बिल्कुल परेशान या शत्रु की ऐसी हो रही है जिसको सहन नहीं करने के कारण मन में उसका दर्द उठ रहा है और इससे वो बीमार पड़ता है। कई लोग दुश्मन के मार से नहीं, दुश्मन के सोच से बीमार पड़ जाते हैं। एक तो वो दुश्मन के कोई सोच से बीमार पड़ा होगा, या शरीर में उत्पन्न बीमारी के कारण, क्योंकि खाना भी हम विवेक से नहीं खाते। रात में 10-12 बजे तक बेलपूरी ठोक रहे हैं, 56 दुकान में माल ठोक रहे हैं, खाऊ गली में माल ठोक रहे हैं, फिर सुबह उठ के बोल रहे हैं कि या तो प्रभु मेरा प्राण निकाल दे या पेट में फंसा हुआ नान निकाल दे। अब ये हालत में रहेंगे तो जीवन तो कोई सुधरना है नहीं, तो हमारा दैहिक कारण से बीमारी आ सकता है, नंबर वन। इसका संबंध मेडिकल काउंसिल से कैसा है आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। आज बोलोगे भारत माता की जय, आप बोल के ही रहोगे। ये कार्यक्रम होते ही जितने लोग टीवी में इसको देख रहे हैं सबको ये कार्यक्रम होते ही मुझे एक दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको, मेरा प्रवचन खत्म होते ही एक बार वंदे मातरम बोलना है, ये बोलना ही मेरी दक्षिणा होगी आपसे। इतना तो मैं निवेदन करने का हक रखता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई हमारे रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। शरीर से ही उत्पन्न होने वाले रोग जो भोजन से होते हैं, प्रदूषण से होते हैं, गलत व्यवहार से होते हैं। दूसरा, हमारे जो विभिन्न प्रकार के मानसिक विकारों से, ये मेरा शत्रु है, ये परेशान करेगा, ये दुख देगा, ऐसे घबराहट के कारण कई मानव विकार आ जाते हैं, फिर वो रोग बन के शरीर में, आज कैंसर तक भय से उत्पन्न हो सकता है, इसको मेडिकल साइंस ने प्रूव कर लिया। तो ये शत्रु भय से एक रोग। अब तीसरा रोग है, किसी को कुछ पैसा देना था दे नहीं पा रहे, रोज आके वो धमका रहा है, यानी ऋण से होने वाला शारीरिक रोग। कितने ही लोग उधारी के कारण बिना काम हार्ट पे उसका बाहर ले लिया और उनके हार्ट में उसका प्रॉब्लम हो गया और उधारी चुका नहीं पाए, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप सुन सकते हैं, वो जमाना बदल गया, अब तो जिसने दिया उसको भी हार्ट अटैक आ जाता है लेते लेते घूमते, यह अलग बात। लेकिन बात यह है कि हमारे शरीर में व्याधि से व्याधि आ सकती है, ऋण से व्याधि आ सकती है, शत्रु से व्याधि आ सकती है, इसके का सिवाय कोई कारण ही नहीं। या तो शरीर दैहिक कारणों से बीमार हो सकता है, शत्रु के भय से बीमार हो सकता है, या लेन देन व्यवहार समाज का जीवन शैली इन सब से, ऋण से बीमार हो सकता है। और आपको बता दूं कि इन सब तीनों के, ऋण के, रोग के, शत्रु के कारक भारतीय ज्योतिष के अनुसार और ब्रह्मांड के सभी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, विदेशी टैरट देख लो, विदेशी एस्ट्रोलॉजी देख लो, या कोई भी डिसीज का, रोग का कारण मंगल है। क्या है? और रोग का कारण मंगल है, ऋण का कारण मंगल है। मंगल ऋण का भी कारक है, जो उदारी होती है वो मंगल से होती है। ये हम भारतीय ज्योतिष से नहीं मानते, पूरा विश्व का कोई भी टैरेट एस्ट्रोलॉजी हो, के कार्ड एस्ट्रोलॉजी हो, के जो भी एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटोरियल एस्ट्रोलॉजी हो, जितने प्रकार की एस्ट्रोलॉजी, मैंने खूब उसकी शोध की है, इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूं कि सभी लोग ये मानते हैं कि मार्स यानी मंगल वो चीज है। वो लोग कहते हैं कि मार्स से ऋण होता है, रोग होता है, शत्रु होता है। और आपको बता दूं कि भारतीय धर्म पूर्ण रूप से ज्योतिषीय गणित पर ये समाधान और निवारण में आया है कि जहां मंगल आश्लेषा नक्षत्र में पहुंचते हैं और उस नक्षत्र में पहुंचते हैं तो वो अपना ये ऋण करने का, शत्रु को उत्पन्न करने का, रोग उत्पन्न करने का ताकत से निश्चेष्ट हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यानी आश्लेषा नक्षत्र में मंगल आते हैं वो अपना कोई भी दुष्प्रभाव किसी को दिखा नहीं सकते, और मंगल ही ऋण, रोग और शत्रु के कारक है। ये रहस्य को भी आप समझिए। और अब आपको समझाऊं, आप गूगल में जाइए और आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह क्या है, जिसको अंग्रेजी सीक्रेट सिंबल कहते हैं, हम लोग नक्षत्र का चिन्ह कहते हैं, वो सीक्रेट सिंबल ही है। आप आश्लेषा नक्षत्र का सीक्रेट सिंबल देखोगे तो
तो वो दो नागों का जुड़ा हुआ मेडिकल काउंसिल का सीक्रेट सिंबल आश्लेषा नक्षत्र का सिंबल बताएगा। सर्पों का चिन्ह आश्लेषा नक्षत्र का चिन्ह है और आश्लेषा में आने के बाद यानी वो सर्प चिन्ह में मंगल आने के बाद रोग भी नहीं कर सकते, ऋण भी नहीं कर सकते, शत्रु बाधा भी नहीं कर सकते, वहां वो निष्फल हो जाते हैं, निश्चेष्ट हो जाते हैं। तो हर मंदिरों में हमने नाग का वो चिन्ह रखा, दो नाग जुड़े हुए, जिसका दर्शन करके मंगल की उस शक्ति से हम मुक्त हो जाएं जो ऋण करता है, रोग करता है, शत्रु को करता है। मेरे भारतीय धर्म की जय हो, मेरे भारतीय संस्कृति की जय हो। जहां के एक एक चीजों में कोई कारण था, हमने कारण तो ढूंढा ही नहीं, कारण को समझा ही नहीं, कारण को जाना ही नहीं, हमने उन चीजों को पत्थर बोल दिया और उन चीजों को बेकार की चीजें बोल दी और उनकी पूजा से अपने आप को दूर करके खुद को नास्तिक बोल के बड़े गर्व महसूस करने लगे। आप नास्तिक होने से गर्व आप महसूस करो, लेकिन आस्तिक हो जाओगे तो पूरी संसार आपकी तारीफ करके गर्व करेगा, फर्क इतना ही है। नास्तिक स्वयं में गर्वी है, आस्तिक विश्व में पूजा जा रहा है, क्योंकि उसकी आस्तिकता उसको ईश्वर की कृपा भी साथ लाके दे रही है।